हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्स हेवन। आज आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा रिव्यू लेकर आई हूँ। ये है इलेक्ट्रिक कैन ओपनर, यानी कि इसको बाय कर लेने के बाद आपको हाथों से कैन खोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर मेरे पास बॉक्स मौजूद है, मैंने इसको अमेजोन से बाय किया है। प्राइस मैं आपको वीडियो में अभी आगे चल के बताऊंगी। इससे पहले बाकी सब कुछ हम इसका डिस्कस कर लेते हैं और इसके जो है वर्किंग वगैरह भी देख लेते हैं। तो बॉक्स मैं आपको सब जगह से घुमाकर दिखा चुकी हूँ, इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो इन्होंने डिब्बे के ऊपर सारी मेंशन की हुई हैं। जो जो भी इसकी यानी कि फ़ीचर्स हैं सब कुछ इन्होंने बताए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिला है इसका यूज़र मैनुअल, इसका पेपर वर्क यानी कि इसकी गाइड, इसको इस्तेमाल करने का तरीका और सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी केयर की इंस्ट्रक्शन या जो भी है वो सब कुछ इसमें मौजूद है। इसके बाद मशीन को भी मैंने बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है। तो मशीन जो है इसके दो पार्ट्स हैं, इसको अनरैप कर लेते हैं, इसके ऊपर से सारी पैकिंग उतार देते हैं। एक इसकी जो है अटैचमेंट इन्होंने दी हुई है, इसको भी देखेंगे कि ये किस तरीके से अटैच होती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी सारी रैपिंग उतार दी है, दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल सारी रैपिंग वगैरह में से सारा कुछ उतार दिया है। तो यहाँ पर ये जो है छोटा पार्ट है, ये इसकी अटैचमेंट है, इसके ऊपर कोई मैग्नेट वगैरह लगा हुआ है। अभी हम इसको लगा कर देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है और इसकी क्या वर्किंग है। इसके ऊपर जो है ब्लेड भी लगा हुआ है जिसके ज़रिए ये कैन ओपनर कैंस वगैरह को ओपन करेगा। ये बहुत ज़्यादा शार्प ब्लेड है, इसलिए जब आप इसको कैरी करें तो बहुत ही केयरफुली इसको इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर अब हम मशीन को देख लेते हैं। मशीन को जो है सब साइड से मैं आपको घुमाकर भी दिखाऊंगी। इसका जो है वो सारा यानी कि मटेरियल वो सारा प्लास्टिक का है, ब्लैक इसका कलर है। इसमें और भी कलर्स हैं, एक वाइट कलर भी था और एक ये ब्लैक कलर है। यहाँ पर ये अटैचमेंट अभी हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मशीन सब साइड से दिखा देती हूँ। तो इसकी जो बैक साइड है उधर से भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए थोड़ी सी ग्रिप बनाई हुई है, इधर आप अपनी फिंगर्स अंदर डाल के इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। और इसकी जो तार है उसको भी स्टोरेज करने का इन्होंने छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है, यानी कि आप अपनी तार जो है इसको यहाँ पर रख सकते हैं ईजिली। इसको आप बंद कीजिए और इसको रख सकते हैं। तार जो है वो बहुत लंबी नहीं है, तार की लंबाई ऑलरेडी मुझे पता लग गया है कि छोटी तार है इसके साथ। तो तार को भी अब हम जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं, तार जो है वो बहुत लंबी नहीं है। तो इसके बाद अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम अटैच करके देखते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिक कैन ओपनर है वो इसके साथ किस तरीके से वर्क करेगा। तो मैंने इसकी जो अटैचमेंट है उसको बहुत इजीली अटैच कर दिया है, सिर्फ एक ज़रा सा पार्ट है उसको आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है और बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाता है, टाइट भी है। इसको आप इस तरह से प्रेस करते हैं और ये आपका कैन ओपनर जो है वो चलने लग जाता है। तो यहाँ मेरे पास कैन मौजूद है, कैन का जो है ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल प्लेन है, यानी इसके ऊपर कोई हुक वगैरह या कोई भी और पुर्जा इसके साथ नहीं लगा हुआ, क्योंकि बास कैन्स में हुक भी मौजूद होता है। तो तार जो है वो मैंने कनेक्ट कर दी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैन ओपनर चलता कैसे है। तो इसका जो ये वाला बटन है इसको लाइट से आप प्रेस करेंगे, कैन ओपनर आपका वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आपने कैन इसके अंदर लगाना है। कैन जैसे ही आप इसके अंदर फिट कर देंगे ये बहुत ही अच्छे से इसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक है तो मैग्नेट जो है वो कैन को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है बगैर किसी सपोर्ट के। नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कि कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, घुमा कर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब कैन को जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं। तो मैंने बटन को प्रेस किया, कैन फौरन से विद इन 5 सेकेंड्स आप देख सकते हैं कि कैन फटाफट से खुल चुका है और इसका जो ऊपर वाला लिड है वो मैग्नेट के साथ ही चिपक गया है बहुत ही इजीली। तो ये देख लीजिए, मैं इसको उतार के दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से इसके साथ ही चिपक गया है, ये देखिए। तो अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो मैंने इसको बाय किया है 1500 रुपीज़ का। इसके जो बाय करने के सारे लिंक्स हैं, इंटरनेशनल लिंक्स या जो भी लिंक्स आपके जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ वहाँ की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट रिव्यू आप कौन सा देखेंगे ये भी आप मुझे बताया करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।